बता दें देश में गेहूं के दाम गिरने के बाद अब सुधरने लगे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिससे मंडियों में गेहूं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। कीमतें गिरने के बाद किसानों ने मंडियों में आवक भी घटा दी, जिससे गेहूं की कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। वहीं कारोबारियों के मुताबिक आगे गेहूं की कीमतें ज्यादा घटने के आसार नहीं है, क्योंकि इसके दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के आसपास ही चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की हरदोई के मंडी में गेहूं कारोबारी ने बताया कि पिछले सप्ताह गेहूं निर्यात पर रोक लगने के से दाम इसके 150 रुपए प्रति क्विंटल घट गए थे, लेकिन इस गिरावट के बाद गेहूं की कीमतों में पहले 70-80 रुपए की तेजी आई थी। इस तेजी के बाद दाम 20 से 30 रुपए गिर गए हैं। आगे कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना अभी नहीं है। वहीं दाम 20 से 30 रुपए क्विंटल तक उतार चढ़ाव के साथ वर्तमान दायरे में बने रहने के भी आसार हैं। वहीं बता दें हरियाणा की कोसी मंडी में गेहूं कारोबारी ने बताया कि निर्यात पर रोक के अगले 2 से 3 दिन बाद गेहूं के दाम घटे थे, लेकिन अब आवक घटने से दाम फिर से बढ़ने लग गए हैं। वही मंडी में आवक 15 से 20 हजार बोरी की जगह घटकर 5 से 6 हजार बोरी रह गई है। वही कोसी मंडी में गेहूं 2100 रुपए किलो बिक रहा है। निर्यात पर रोक से पहले भाव 2225 रुपए थे, वहीं रोक के बाद दाम घटकर ये 2050 रुपए प्रति क्विंटल चले गए थे। वहीं मध्य प्रदेश की गुना मंडी के कारोबारी का कहना है कि गिरावट के बाद अब फिर से गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मंडियों में आवक कम हो रही है। आगे दाम गिरने की संभावना अब बहुत ही कम है, क्योंकि इस समय मंडी में गेहूं के दाम 2100 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि MSP पे ये 2015 रुपए है। वहीं किसानों का मंडी तक गेहूं लाने व अन्य खर्च को मिलाकर उन्हें दाम MSP के करीब मिलेंगे। वहीं ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि गेहूं के दाम अब गिरने वाले नहीं हैं, भाव वर्तमान दायरे में बने रहने की उम्मीद है। दिल्ली के नजफगढ़ मंडी के गेहूं कारोबारी का भी यही कहना है कि आवक 2000 या 2500 रुपए बोरी से घटकर 400 से 500 बोरी रहने से गेहूं के दाम भी 50 से 60 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली के नरेला मंडी के कारोबारी का कहना है कि निर्यात पर अचानक रोक लगने से बंदरगाहों पर गेहूं फंसने से कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार को बंदरगाहों पर पहुंच चुके सभी गेहूं को निर्यात की अनुमति देनी चाहिए, चाहे उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी ही नहीं मतलब हुआ हो।